राखी जैसे त्योहार में 68 ट्रेनें रेलवे केंद्र सरकार ने बंद की थी, जिसके बाद लाखों प्रवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार फायदा तथा स्टॉक करने के हेतु सभी ट्रेन बंद करके सैकड़ों कोयले की मालगाड़ी छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र में आ रही थी। इसका भारी विरोध हो रहा था। कुछ दिन पूर्व ही मालगाड़ी ट्रेन से टकरा कर अनेक यात्री घायल हुए थे। सलाहकार समिति भैरूमल गोपलानी बोल रहा हूँ। रेलवे के नियम एकदम बहुत बेकार नियम है। अभी बीच में राखी के सीजन में 68 ट्रेनें बंद कर दी गए थे, जबकि कोई काम नहीं चल रहा कहीं। इनको सिर्फ माल कोयला पहुंचाना पड़ रहा है और नाम कर रहा है कि इंटरलॉकिंग हो रही है। कोई इंटरलॉकिंग कहीं काम चालू नहीं है। अभी 21 तारीख से फिर अभी 30 तारीख तक ट्रेनें बंद है। बोलते हैं बिलासपुर और झारसुगड़ा के बीच में इंटरलॉकिंग है, कोई काम चालू नहीं है। जबरदस्ती पब्लिक को परेशानी हो रही, यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही। हाँ, हमको मालूम कि यात्रियों को, रेलवे वाले समझते नहीं यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है। आए दिन बोलते हैं इंटरलॉकिंग है, कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, कई काम दिखता नहीं है। और इंटरलॉकिंग का बहाना करके पूरी मालगाड़ी ढकल रहे, पूरी मालगाड़ी ढकल रहे। सर अभी जो गाड़ी मालगाड़ी पर इतनी मालगाड़ी चलाई जा रही है, मालगाड़ी कारण वो भगत की कोठी बेचारी टकरा गई। आए दिन बेचारे 75 लोग जख्मी हो गए। अब जिनको जख्मी हो तो बेचारों को बहुत ये हो गया है। अब कौन नहीं भुगतान होगा, आदमी को भुगतना पड़ेगा ना। रेलवे तो सब हवा बोल के पल्ला झाड़ देती है। इतनी मालगाड़ियाँ चल रही है आने जाने के लिए। अब डोंगागढ़ आउटर पर एक घंटा गाड़ी खड़ा कर रहा है, एक घंटा यात्री रायपुर से आने के लिए 4-4, 5-5 घंटे लग रहे हैं, जबकि 3 घंटे लगते हैं, 5-5 घंटे लग रहे हैं। यात्री कितनी बैठ बैठ के परेशान हो रहे हैं, रेलवे वाले कोई देख नहीं रहे, तो चुपचाप बैठे हैं। तो ये गाड़ियाँ चालू होना चाहिए क्या? गाड़ियाँ पब्लिक के चालू होना चाहिए। पब्लिक को कितनी परेशानी है, और जब रेलवे अधिकारी बैठे पता चले कितनी पब्लिक को परेशानी है। सिर्फ बैठे रहते हैं और कोई देखते नहीं है। और जनरल बोगी देखो तो एक तरफ रहता है, एक तरफ जनरल बोगी नहीं रहती। जब से लाल रेखा है तो एक तरफ जनरल बोगी है, दूसरी तरफ जनरल बोगी नहीं है। पब्लिक पीछे बैठी है तो जनरल बोगी आगे आ रही है। जब तक जाया जाए तब तक पब्लिक की गाड़ी छूट जाती है, इतनी परेशानी है। लाल रेख में दोनों तरफ जनरल बोगी लगाया जाए, यात्रियों को सुविधा हो। रेलवे का नियम क्या है कि यात्रियों को सुविधा देना है, सुविधा नहीं दे रही है, उल्टा परेशान कर रही है रेलवे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि देश की जनता, देश के यात्री, जो सुगम साधन है ट्रेन, वो बार बार बंद किया जा रहा है, आकर जंगले बंद किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अदानी जी को कोयला स्टॉप करने के लिए ये ट्रेनें बंद कर रहे हैं, जनता को तकलीफ दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि अपना दोस्ती अपने अलग निभाइए, लेकिन देश की जनता को दोस्ती निभाने के लिए त्राई त्राई होने में मजबूर मत कीजिए। मैं गोंदिया रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, उसके नाते हमारी टीम ने गोंदिया रेलवे स्टेशन मास्टर से कई बार बात किया। वो बोलते हैं भैया हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, ये वैष्णव जो रेल मंत्री है इनको हटाइए, और दोबारा जो रेल मंत्री पहले थे पीयूष गोयल उनको लाइए, क्योंकि इनकी नीति बराबर नहीं है। हो सकता है इनकी नीति में आप भी सहयोग कर रहे हो, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अगर कोयले की गाड़ियाँ जा रही है मान लो ट्रैक पे, तो उसके लिए आगे पीछे ट्रेन चल सकती है। एकदम से 8-8, 10-10 दिन बंद करना, बार बार बंद करना, जनता में त्रायता ही हो रही है। जनता कुछ बोल नहीं पा रही है। क्यों नहीं बोल पा रही है कि विपक्ष की नाकामी है। विपक्ष की नाकामी के कारण आपको चुनके दे रही है जनता। तो ऐसा मत सोचिए, ये परिवर्तनशील संसार है, दुनिया में परिवर्तन होता है। आज आपकी सरकार है, हो सकता है कल आपकी सरकार नहीं रहे, आपकी सरकार ज़्यादा दिन चले और 5 साल जीते, उसके लिए जनता को तकलीफ कम से कम दीजिए। जनता तकलीफ सहने लायक नहीं होती। किसी को कहीं जाना है, बड़े अर्जेंट काम से जाना है तो ट्रेन। अभी बीच में जो राखी का त्यौहार था उसमें भी कई दिनों तक ट्रेन बंद करके रखा था। भाई को बहन से, बहन को भाई से त्यौहार मनाने के लिए जुदा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की जनता आपको कोस रही है, आप उसको ध्यान दीजिए। देश की जनता की बंधुआ मत लीजिए, आय शराब मत लीजिए, ट्रेनों को सुगमता पूर्वक चलाने दीजिए। मेरी आपसे अपील है, विनती है। कल हमने पेपर में पढ़ा 21 तारीख से 30 तारीख तक के ट्रेनें बंद की जाएंगी, यानी देश को तो तुम बिल्कुल पंगू बना दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रेनें बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनें बंद हो जाएगी तो आदमी कैसे जाएगा कहीं भी। आवागमन का सस्ता साधन एक ट्रेन ही है, बसों से आवागमन होता नहीं है, और प्राइवेट वाहनों से पैसे वाले चले जाएंगे। गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता ट्रेन से जाती है, कृपया आप ट्रेन बंद मत होने दीजिए। ट्रेनों का रद्द होना जिससे आम आदमी को काफी परेशानी हो रही है। जैसे कि अपने देखे पिछले 2 साल से कोरोना के चलते कई रेलवे बंद थी, लेकिन अब जब सामान्य जीवन सुरहित अच्छे से चालू हो रहा है, तो ऐसे में त्यौहार के समय में रेलवे का यह निर्णय लोगों के लिए काफ़ी कष्टदायक हो रहा है, क्योंकि लोग
दो चार महीने पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि हमको कहीं जाना है, और रक्षाबंधन और भी त्यौहार है जैसे में लोग अपने घरों में जाते हैं, लेकिन रेलवे के ये अचानक निर्णय से सामान्य नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जबकि जमाना आगे बढ़ रहा है, सभी सुविधा युक्त करके और ट्रेनें ज़्यादा चलाना चाहिए, तो इसके बावजूद ट्रेनें रद्द करके सामान्य नागरिकों को परेशानी हो रही है। जबकि लोग रेलवे का सफ़र को सुरक्षित मानते हुए दो दो महीने तीन तीन महीने पहले से रिजर्वेशन करते, अपने प्लानिंग करते, उस हिसाब से उनको सुविधा जाए, लेकिन रेलवे के यह निर्णय से सामान्य नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिससे रेलवे तुरंत चालू करके सामान्य नागरिकों को अपनी आने जाने की सुविधा मिले, ऐसे रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए।